वाह छोटे वाह, सुन हाँ। लोगों की नींद जो है वो सुबह की चाय से खुलती है, लेकिन मेरी नींद जो है वो तेरी मालिश से खुलती है यार। ऐसी गरीब आज नहा के भी तो आए हो तुम। अरे नहा के रोज आता हूँ, बकवास मत कर। और तेरे यहाँ से मालिश करवा के जाता हूँ ना, तब फिर नहाता हूँ। अच्छा सुन हाँ। ये जो है ये बाईं तरफ वाली ना थोड़ी अकड़ गई है, जरा ऐसा खोल दे ये वाली। हाँ तो ऊंचा तकिया लगाया था क्या? अरे तू बात है कम कर, तू सही कर दे। अभी देखो तुम। हाँ ठीक है। हाँ बैठ रही हूँ। हाँ छटकाया तूने एकदम। सेठ जी मैं क्या कह रहा था ये बताओ, आजकल तुम्हारे जो बगल के है ना बहुत जल्दी से बढ़ रही है, क्या बात है? बगल में खाद डाल रहे हो क्या? अरे बस बगल के ही बढ़ रहे हैं, धंधा ना बढ़ रहा है। हमसे ना छुपाओ सेठ जी, ऐसे बैठो। अरे इतना ना बैठो कि घुस जाओ, इस तरफ आ जाओ। चलो ये ठीक है सेठ जी, हमसे ना छुपाओ। हाँ मैं आजकल ना देखता रहता हूँ दुकान से, तुम्हारी लहंगे की दुकान के आगे लोगों की लाइन लगी रहती है। अबे लाइन तो शौचालय के आगे भी लगी रहती है। हाँ। उससे क्या कोठियां खड़ी हो जाती हैं? बात कर रहा है बेकार की। अरे तो तुम मुझे एक सेकंड ये बताओ, ऐसी हो? हाँ। ये बताओ हाँ। आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है फिर? सुन छोड़े, गड़बड़ ये हो रही है कि दुकान पड़ रही है बहुत छोटी। हाँ। माल है ज्यादा, कहाँ रखूँ, कहाँ बैठूँ, कैसे बेचूँ, समझ में ना आ रहा है। भाई इलायची के भी हाथ पीले करने, तू तो जानते ही है। अरे तो एक काम करो ना सेठ जी। क्या कर लूँ? दुकान बढ़ा लूँ ना। क्या बकवास कर रहा है, दुकान बढ़ा लूँ? सड़क के बीचों बीच ले आऊँ तो क्या दुकान, वहाँ बैठ के लेंगे बेचूँ? अरे तुम समझ ही ना रहे। क्या समझूँ? जरूरी है कि सामने। अरे कहाँ जा रहे? अरे सीधे बैठो। कहाँ चल बोल। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ दुकान आगे से मत बढ़ाओ, दाएं बाएं से बढ़ा लो। वो है ना तुम्हारी सूटकेस वाली दुकान बगल में लगी ना, लहंगे की चौरंगी नहीं है? हाँ हाँ। उसकी जो दुकान है वो बेच रहा है, तुम खरीद लो। अच्छा। अरे वो दुकान बेच रहा है, दो तीन बेच रहा है अपनी, 2-2.5 करोड़ की दुकान होगी उसकी। अरे तुम समझ ही ना रहे सेठ जी, चौरंगी को अचानक से इमरजेंसी आ गई है, वो तगड़ी वाली, वो बेच देगा, तुम सस्ते में ले लो। क्या आ गई है? इमरजेंसी। क्या कह रहा तू? अरे मैं कह रहा हूँ उसको मर्जेसी आ गई ना। अबे कौन मर गया, क्या आ गई, कुछ समझ ना आ रहा मेरे। अरे वो मर्जेसी नहीं होती क्या वो? अरे इंसान को अचानक से आ जाती ना, ऐसे टपक के आ जाती मर्जेसी, तो आदमी नहीं देखता ना, 2-4 रुपए कुछ नहीं देखता फिर। मर्जेसी नहीं आती क्या? अबे इमरजेंसी। अरे तो वही तो कह रहा, वही कह रहा हूँ, मर्जेसी आ गई मतलब इमरजेंसी आ गई। सेठ जी मैं कह रहा हूँ सस्ते में दे देगा। अच्छा ले लो। कितने में निकाल लिया वो फिर? अरे तुम्हें हम बताएं ऐसे हो, सेठ जी मुझसे कह रहा था कि 40 में दे दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे हो जैसे जैसे तुम हो ना कंजूस मक्खी चूस, हाथ पांव जोड़ोगे 30-32 में लगा देगा। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? है सही कह रहा हूँ सेठ जी, तुम ट्राई तो करके देखो। अरे सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, कल ही बोल रहा था मुझसे छोटे कोई बढ़िया सा पैसे वाला आदमी मिले, कस्टमर मिले, तुरंत बताना। तो एक बार बता, सुन कल क्यों ना बताया तूने मुझे, फौरन बताना चाहिए ना। तू क्या मुझे घट्टा करके नीचे खड़े भिखारी की तरह समझ रहा है? बिल्कुल बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, धंधे के लिए रोते रहना और मर जाओगे एक दिन। अबे रोती तो औरत भी है कि मायके चली जाऊंगी मायके चली जाऊंगी। हाँ। लेकिन जाती है कोई? अरे हट। अरे कहाँ चले मायके? अबे मायके ना जा रहा हूँ, बैंक जा रहा हूँ पैसे निकालने। अरे तो बगल की तो बनवा लो, वो तू बाद में उखाड़ लियो। और इलायची कैसी है? भाई मेरी बहुत सुलग रही है। क्यों क्यों साले, तू यहाँ पहलवानी पहल रहा है और मैं यहाँ ब्लाउज में ये हुके टांग रहा हूँ। तो भाई तू भी कसरत करनी शुरू कर दे, वरना जिस स्पीड से तेरा पेट निकल रहा है ना, भैंस बन जाएगा एक दिन। साले फालतू की बात ना कर, अगर मैंने कसरत शुरू कर दी और सिक्स पैक बन गए ना, तो यहाँ से तेरा बोरिया बिस्तर बंदा समझ ले, छुट्टी यहाँ से। अच्छा हाँ। ओहो भाई तू टेंशन मत ले, बहुत ही जल्द मैं बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, मेरा नाम होगा
मेरी म्यूजिक वीडियो बनेगी जिसमें तू तू मेरे भाई तू मेरी हीरोइन बनेगा। अरे फालतू की बात ना कर, मार मार के तंबू बना देंगे यहीं पे, दांत निकाल रहा है। मुश्किल हो रखी यार मेरी। क्या मुश्किल हो गई है तुझे? क्यों रोता रहता है यार? कुछ काम नहीं करना, सारा दिन घर पे बैठना, क्यों रोता है तू? तुझे बाहर जाके लहंगे बेचने पड़ते? नहीं, रियाज करता है? नहीं। ये ठूसता है ये कहां से आता है? ये कौन बनाता है? तो ठीक है, थैंक्स। जीजाजी छत पर है। अरे यार इलायची जी, जीजा जी अगर आपसे ये कहें कि जीजा जी जो हैं वो लाल किला देखने गए हैं, जीजा जी वहां पर हैं, तो क्या आप मान जाएंगे कि जीजा जी यहाँ पर नहीं हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। अरे ऐसे कैसे अकेले अकेले चले जाएंगे? जहाँ भी जाएंगे हमारे साथ ही जाएंगे। चलिए जल्दी से दरवाजा खोलिए। जी ये सही कर दिया यार। ओ, हाँ। उड़ा दे सही से। जी जी आ गए आ गए, आइए आइए आइए। हेलो आइए। हेलो हेलो यार। हाय पिंटू भाभी। हेलो जी। हेलो, कैसे हो? एकदम बढ़िया। बस यार आप इतनी रजाई वजाई क्यों उड़ी हुई है? निकलो बेड से बाहर यार। वो क्या ना, थोड़ी ठंड ठंड सी लग रही है और सिर में दर्द हो रहा है। हाय मैं तो बात हूँ। नहीं नहीं, आप तो बस ना हाथ लगा देंगे उसी में सब ठीक हो जाएगा। पिटवाबी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी वो ना आपसे ना एक बड़ा ही जरूरी काम था, वो क्या है ना एक गाना सुना दीजिए प्लीज। आप क्यों क्यों सुनाएंगे हम? अरे जीजा जी वो क्या है ना, आज हम दोनों का हिंदी का टेस्ट है। हैं? कौन सा वाला? मैंने पढ़ाई नहीं की। बहुत जरूरी टेस्ट है और ना वहाँ पे ना मोहब्बत पे ऐसे लिखने के लिए आ रहा है। अच्छा तो अगर मूड नहीं होगा रोमांटिक तो कैसे लिखेंगे? आप समझ सकते हैं ना, तो हमारा मूड बनवा दीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हम आपकी बात समझ रहे हैं लेकिन आप भी हमारी बात समझने की कोशिश करिए। वो क्या है कि ये जो मोहब्बत और प्यार वाले गाने होते हैं ना जिनमें प्यार मोहब्बत, ये हम सिर्फ अपनी पत्नी के लिए गाते हैं, वो वहां पे बैठी है। हाँ तो ठीक है ना, मतलब थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी पत्नी समझ लीजिए। जरूर, एक काम करते हैं ससुर जी को भी बुला लेते हैं तो हमारा फैमिली इवेंट हो जाएगा, है ना? तो वो भी सुन लेंगे। ससुर जी। अरे जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी, जा रहे हैं, चल चलो। सलाम मीम साहब। बाय भाभी। बाय 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 बाय, टेक केयर, शबा खैर। यार रीलू तेरा ना ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा भाव खाता है, ना खुद की दाल गलने देता है ना दूसरों की दाल। सच्ची में यार अगर एक भी गाना गाने के लिए बोल देती हूँ ना तो इतना नाटक दिखाते इतने भाव खाते कि पता नहीं क्या हो गया हो यार। लेकिन तू भी देखना, आएंगे तो मेरे हाथ में ही ना, फिर देखना कैसे FM रेडियो की तरह बजवाती हूँ उन्हें, पूरी दुनिया देखेगी इस बार तो। रीलू सेल्फी। नहीं क्या बेग तेरा बाप लगाएगा, देखा नहीं था आ गए थे वो अंदर, अभी फंस जाते तो क्या करें, धुएं हो रखे उसमें, हर समय खुजली होती रहती है। नहीं लगा दे ले, नहीं नहीं लगा सकता, ये इतना पहने बैठे ये क्या कम है क्या? बात तेरी ठीक है। अरे छोटे, अरे सेड़ी भाई शाम को बनवा लियो बाकी की, चल 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 जल्दी चल जल्दी आ। अरे आया आया, अरे तू चल ना यार बाहर वीडियो गेम खेल। सुन अरे 30 लाख ले आया हूँ। इतना और चिल्ला लू? नहीं नहीं और चिल्ला लू 30, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? किसी ने सुन लिया तो उठा के ले जाएगा। अरे मुझे कोई ना उठा पाएगा। अरे तुमको उठाने की बात ना कर रहा हूँ मैं, इसको उठाने की बात कर रहा हूँ, तुमको तो लेटा जाएगा। छोड़ो ये बताओ इतने जल्दी तुमने इतने सारे पैसे का इंतजाम कैसे कर लिया? कैसी बातें कर रहा है तू? है जिंदगी भर की कमाई है ये, बैंक में डाल के रखी थी। खैर वो सब छोड़, सुन चौरंगी को फोन कर, बुला उसे, सौदे की बात करनी है। अरे वो ना आ पाएगा आज। अरे इतनी तो मरना थी, निकल लिया क्या? अरे तो सुन तो भाई बन जाओ, पूरी बीबी बन जाओ मेरी। मैं अरे क्या हुआ, दुकान दुकान ना देनी है उसे? उसको कुछ काम है, शहर से बाहर गया है। अरे ये और बेकार का जो है पंगा हो गया,
कैसी बातें कर रहा है तू भी यार। अब इतने पैसे मैं जो बैंक से निकाल के लाया, हमसे पहले बोलो इतने पैसे। अरे सुन तो ले, अब कहाँ रखूंगा जी इतने पैसे। घबराओ, बैंक से निकाल के लाया हूँ। सुन, अब मैं वापस रखने जाऊंगा तो बैंक बंद हो जाएगी तब तक, और दो तीन दिन और छुट्टी है बैंक की, क्या करूंगा मैं। एक काम करो, घबराओ मत। पहली बात, चांदनी चौक में रह रहे हो, शरीफों का मोहल्ला है, दो चार दिन ऐसे ही कट जाएंगे। अरे जा यार। अरे मेरी बात मानो भाई। सेठ जी, क्या चल लिया, क्या चल लिया, क्या चल लिया है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे आओ आओ दरोगा जी, बहुत दिनों बाद दिख रहे। हाँ, वो एक चोर की धर पकड़ में जरा बिजी था, वक्त ही नहीं मिला। तो पकड़ लिया उस चोर को आपने? अरे आदमी ठीक से उनका गोला नहीं पकड़ सकता, चोर क्या खाक पकड़ेगा। मैं कह रही हूँ कि सर कोशिश कर रहे हैं, अब कब तक वो चोर गोला देगा, पकड़ में तो आ ही जाएगा। चोर जो है ना वो बहुत ही शातिर है, जैसे ही कोई बैंक से पैसे लेके निकलता है उसके पीछे हो लेता है। अरे डरो, अरे दरोगा जी फालतू में डरा रहे हो, मतलब है गच्चा दे रहे हो, सरकार को ताने मार रहे हो। ऐसे ऐसे कभी होता ही नहीं है, पैसे किसी ने निकाले और चोर पीछे लग जाए। हाँ। अरे नहीं नहीं छोटे साहब जो है बिल्कुल सही कह रहा है यार, ये असली वाले चोर की बात कर रहे हैं। हाँ। क्या है ना, जब कोई आदमी बैंक से मोटी रकम लेके निकलता है ना, तो वो चोर जो है उसके पीछे पड़ जाता है, और फिर मौका देखते ही खचा खचा। मंगीलाल, तेरे इस खचाक को सुन के मुझे खचाक से कुछ याद आ रही है। क्या सर? एक बात बताओ, जो लौकी दी थी तुझे मैंने, वो तूने काट ली या फिर थाने के टेबल पे यूं ही छोड़ा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे रे रे रे, बताओ भाई, चोर उचक्को को पकड़ने के फालतू काम के चक्कर में असली काम करना ही भूल गया, बताओ। भूल गया तू? फिर मुझे पता था तो भूल जाओ, तू किसी काम का नहीं है मंगी, तेरा कुछ नहीं हो सकता, हमेशा मुझे सिखाना पड़ता है तुझे। चल चले, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, क्या चलना। आजा आजा। सेठ जी, इस मंगी का कुछ हो या ना हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब तुम्हें 30 लाख का क्या होगा। बात है कम कर, तू नहीं कहा लेके आ जाओ, लेके आ जाओ, मैं बैंक तो जाकर ले आया, अब कह रहा 30 लाख का क्या होगा। सेठानी हो तुम, कौन से कमरे में सोती हो? तुझे क्या लेना देना, मतलब गद्दे के नीचे दबा के रख लू ना दो तीन। ऐसे ना दबा पाएंगे, सेठानी को पता लग जाएगा, मैंने उससे छुपा के बैंक में रखे हैं ये। मैं दुकान में रख लूं? अरे अरे ऐसे कूड़े कूड़ा समझ के रख ना, मैं किसी को ना दूंगा, जीवन भर की कमाई है मेरी। सुनो, चांदनी भाभी के यहाँ रखवा दूं? ना ना, उसके यहाँ तो बिल्कुल ना, लूट लेगी मुझे। जो तुमने लूटा उसको कई बार, तू चुप रहे। सुन, मैं रख के आ रहा हूँ एक जगह। वो जनपद जा रही हूँ मैं, सुनो भी जा रही है शॉपिंग करने के लिए, तो वो 500,000 या 1,500,000 मतलब कुछ हो जाता तो। अरे यहाँ मैं अपने पैसे जो है छुपाने की जगह देख रहा हूँ, और तू पैसे लुटाने की बात कर रही है। क्या आप पैसे छुपाने की जगह ढूंढ रहे? अब ये नौबत आ गई है, मतलब इतनी प्यारी इकलौती नाजो से परी बड़ी बेटी से पैसे छुपाए जा रहे हैं। ठीक है, रह दीजिए, मुझे एक रुपया नहीं चाहिए, आपसे रहने दो। अरे तू भी समझ नहीं रही है यार। गुस्सा हो गया तू तो, तुझसे थोड़ा ही पैसे छुपा रहा हूँ मेरी बच्ची है। तू तो अपने मम्मी के चावल और चीनी के डिब्बे से जब पैसे उड़ा सकती है, तो मेरी क्या बिसात कि मैं तुझसे पैसे छुपाऊंगा है। तो फिर किससे छुपा रहे हो? सुन, एक प्रॉपर्टी मिल रही है मुझे सस्ते में, तो उसे खरीदने के लिए मैं ये बैंक से पैसे निकलवा के ला रहा हूँ, और जो प्रॉपर्टी बेच रहा है ना, वो आदमी 2 दिन के लिए कहीं चला गया है, तो अब मैं सोचा ये कहाँ रखूँ। पता है क्यों? दरोगा ने मुझे बताया, शहर में चोर घूम रहा है, जिस किसी को भी वो बैंक से पैसे निकालते देखता है ना, उसके पीछे लग जाता है, उसी से बचने के लिए मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ छुपाऊँ इन्हें। बस इतनी सी बात, आप ना बेटी को याद किया होता, उससे तो पूछा होता। फर्रे पैसे कहाँ छुपाने हैं ना, इसमें मैं माहिर हूँ यार, समझा करो। सुन, टाइम पास करने के लिए मेरे पास टाइम ना है, तू मुझे बता दे जगह कौन सी है जहाँ मैं छुपा सकूँ, अच्छी जगह बताइए। सुन, कल तुझे 10 रुपए दे दूंगा इसके। क्या 10 रुपए?
तो चल 100 रुपए ले लियो। 2500 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी। पूछना है तो पूछो वरना डील कैंसिल। डील कुछ ज्यादा महंगी ना है तुझे ना लग रही? पैसे कुछ ज्यादा ही नहीं है, आपको नहीं लग रहे? अरे तू भी ना। अच्छा चल ठीक है 2500 बता। ठीक है, वो क्या है ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सी बातें छुपाई जाती है। क्या बकवास कर रही है तू? अरे बकवास नहीं कर रही हूँ, चीचा ची अब पिंटू भाभी के पास। अरे कैसी बातें कर रही है तू? 2000 रुपए की तनख्वाह है उसकी, 2000 रुपए तनख्वाह वाले आदमी के पास मैं 30 लाख रुपए रख दूं, कहीं मेरे पैसे लेकर उड़ गया तो? अरे कहीं उड़ा के नहीं ले जा रहे पापा, जीजा जी ना हमारे बड़े शरीफ टाइप्स हैं, पराए माल पे नजर ही नहीं डालते, और भरे पराया माल उनके सामने कूद के आ जाए और बोले मुझे ले जाओ तब भी नहीं। तू पैसे की बात कर रही है ना? हाँ पापा ऑफ कोर्स, मतलब और किस चीज की बात करूंगी मैं। अरे यार पापा सोचो, मतलब किसी को शक भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी रकम हमने बरसाती में छुपा रखी है, किसी को पता नहीं चलेगा यार। अरे पापा कितना सोचोगे ना, तो समझ लो वो चोर ना आसपास यहीं कहीं घूम रहा होगा और सोचते सोचते कहीं ये पैसे आपके उड़ा के न ले जाए, फिर देख लेना। क्या तो सही रही है, सुन मैं छमछम के पास रख के आता हूँ। पापा छमछम नहीं पंचम। अरे हाँ पंचम, बस समझ में आया। हाँ। ठीक है। अरे वो क्या जगह बताई ना तो। अच्छा हाँ, वो डील। हाँ। चल ठीक है ये ले। अरे अरे पापा एक मिनट। अरे रख ले रख ले। मैं टंटे रखे सिर्फ 500 दे के गए, कोई नहीं। नीले नीले ओफो बुबू क्या बात है, तेरे अंदर आधी लड़की तो पनपी चुकी थी, तुझे अभी भी दाढ़ी बनानी पड़ती है। बड़े मजे आ रहे हैं तुझे तो? क्या है गुगु, सबसे ज्यादा दाढ़ी तुम्हें ही छिटती है तो इसलिए तुम्हारे लिए बना रहे हैं। मैंने ऐसा कब बोला कुछ भी? तो क्या है ना बेटा, कुछ बातें बोली नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। ओह अच्छा ऐसा है, ओहो वैसे बेटा तू ना महसूस करता रह जाएगा और सुनीता जी किसी और की हो जाएगी, समझा? ऐसे कैसे लेके चला जाएगा सुनीता जी को, उसकी ऐसी कैसी, कोई हाथ तो लगा के दिखाए सुनीता जी को। बाद में आ रहा हूँ। सेठ जी आप आइए आइए, आप सेठ जी ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं नहीं डिटेल में जाने की जरूरत ना है। अरे नहीं सेठ जी ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं नहीं डिटेल में जाने की जरूरत। मिसेस पंचम ये आपके चेहरे पे क्या है? बस सेठ जी मैं फेशियल कर रही हूँ, ब्लीचिंग वो क्या ना मुहां से निकल आए मेरे, मुहां से शेविंग क्रीम से। हाँ सेठ जी वो दरअसल क्या है ना कि बूबू को सब कुछ मर्दाना पसंद है। क्यों? वो ये दरअसल क्या है ना कि ये एक सेकेंड हाँ बूबू, बचपन से थी क्या थी टॉम्बॉय। आप बताइए सेठ जी आप यहाँ पर हमारे छत पर कोई काम था? अरे वो मैं ये ले ये रखने के लिए आया था। अच्छा ये क्या सेठ जी? 30 लाख रुपए हैं। मिसेस पंचम इन्हें संभाल के रखना। ठीक है सेठ जी मैं संभाल के रखूंगी। सेठ जी कितने का आपने? 30 लाख। सेठ जी अरे ठीक है। अरे क्या कर रहा है तू? सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आपने हमें 30 लाख रुपए दिए। सेठ जी हम इसका बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे, हम जिंदगी में कुछ बन के दिखाएंगे। अरे रुक टेंशन, 2 मिनट ठहर तो। कोई बात नहीं सेठ जी, आपको हमें जो बुलाना है बुला सकते हैं, आपने हमें 30 लाख रुपए दिए, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बेसन जी तुझे तो मैं 2000 रुपए से एक आना ज्यादा ना दूं, समझ में आ रहा है? और लॉटरी में तेरी 1000 रुपए से ऊपर जीतने की औकात ना है। 30 लाख रुपए मैं तुझे दूंगा, शकल देखी तूने अपनी? तो सेठ जी यहाँ पर क्यों? तेरे पास रखने आया हूँ ये पैसे, वो क्या है कि शहर में चोर घूम रहा है तो मैंने सोचा कि इसे सही जगह पर रख दूं, तो मुझे लगा तेरे यहाँ सही जगह है इसलिए रखने आया हूँ। पर सेठ जी चोर तो हमारे छत पर भी आ सकते हैं ना? अरे चुप रहे, चोर भी जगह देख के आता है, तेरे जाते पोकटियों के घर में नहाता वो। संभाल के रखियो ने जी। सेठ जी आप लेकिन आप इतनी बड़ी रकम हमारे घर पर रख रहे हैं, हमें पता नहीं। सर भरोसे पर रखकर जा रहा हूँ।
उड़के ले मत जाइयो, सोचियो मत क्यों उड़ा के ले जाऊंगा, वरना पिंजरे में डलवा दूंगा तुझे। अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखियो इन्हें, अगर तू मर भी जाए ना तो भी अपने पास से इसे जाने मत दियो। सेठ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम इसको बिल्कुल अपने पैसे की तरह संभालेंगे। क्या 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 कहा तूने? आपके पैसों की तरह संभालेंगे। ठीक है जी। इसे पंचम जी, सेठ जी ये मुहाजे की दवा ना करुणा के पास बहुत अच्छी है, मैं उससे बोलता हूँ तुझे बता दे। सुनिए ये शेविंग क्रीम मत लगाए करिए गालों पे, किसी दिन दाढ़ी निकल जाएगी। बंद कर ले। ठीक है सेठ जी। हाँ अबे यार ये क्या हो गया, कितनी बार बोला है दरवाजा बंद करके शेव किया कर, आ गए थे सेठ जी पकड़ लेते अभी हमें। क्या है, क्या कर रहा है, अबे लग जाएगी, देख देख लग जाएगी। अगला सीन है।